पिछले दो दिनों से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांगों को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जायज बताया है। उन्होंने कहा कि काफी अरसे से जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे थे कि उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की जाए। एम्स और छठवें वेतन आयोग के हिसाब से उनका स्टाइपेंड उस लेवल का नहीं है और साथ ही उनको डॉक्टरों से अपील की कि इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित ना हो और सीनियर डॉक्टर तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रखें। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अंबेडकर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। दो दिन से जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि उनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, और आज से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है और आपातकालीन सेवा भी उन्होंने बंद कर दी है। पहले आपातकालीन सेवा के लिए उपलब्ध थे लेकिन अब आपातकालीन सेवा उन्होंने बंद कर दी है। अगर मरीजों की बात की जाए तो सीधा प्रभाव हड़ताल की वजह से मरीजों पर पड़ रहा है। यहाँ अस्पताल में मरीजों को भर्ती तक नहीं किया जा रहा है। डॉक्टरों का अभाव सीधे तौर पर दिख रहा है। कुछ मरीज हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी आ रही है, किस इलाज के लिए। बिल्कुल दोबारा तो ले जा नहीं सकते सर, परेशानी ये है, ये चल फिर नहीं सकते। और डॉक्टर कहना है कि जब तक हड़ताल हमारा पूरा नहीं होगा तो भर्ती नहीं लेंगे। क्या हुआ है? ये चल फिर नहीं सकते सर। कितने दिन से आ रहे हैं आप? हाँ तो दो तीन दिन से है सर, मगर ये चल फिर नहीं पा रहे। नहीं हो रहा है भर्ती? नहीं हो रहा है। तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों ने की है क्या? नहीं बोल रहे हैं सर, बोलते हैं अभी हमारा हड़ताल खत्म हो जाए तब आ रहे हैं। ये आप कब से आ रहे हैं अस्पताल? दो तीन दिन से आना। नहीं ले रहे हैं भर्ती? नहीं। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? एक सप्ताह के बाद आना बोल रहे हैं। क्या वजह क्या बता रहे हैं हड़ताल की वजह? हड़ताल का वजह तो कुछ नहीं बता रहे हैं, एक सप्ताह के बाद आना, फिर ट्रीटमेंट होगा बोल रहे हैं। तो साफ तौर पर मरीजों को सीधा प्रभाव हड़ताल की वजह से पड़ रहा है। कुछ और मरीज है यहाँ बताइए, कुछ इलाज हो पा रहा है? हड़ताल चल रहा है तो कुछ परेशानी आ रही है? वर्ती हुआ है और कुछ डॉक्टर तो है नहीं। डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं मरीज पे? ध्यान जिसका सीटी स्कैन हुआ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बड़े डॉक्टर नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं किए हैं आप? नहीं। तो ये अंबेडकर अस्पताल का हाल है, जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इस तरीके से स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने बहुत दावा किया था कि वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर 1100 मरीज हैं, 1100 मरीज के पीछे 150 डॉक्टरों को लगाया गया है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके से लोग की प्रतिनिधि मिलने भी आए थे, हालांकि मैंने चर्चा में उनसे यही कहा था कि हड़ताल इत्यादि ये प्रजातांत्रिक अधिकार है और नागरिक जब भी चाहें उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रयास करना चाहिए कि बातचीत के माध्यम से जो भी आपकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनमें पहल हो जाए। उतना समय दे दीजिए कि पहल की जा सके और उसके बाद हड़ताल के ऑप्शन पे आप विचार करें। चलिए अब देखते हैं अन्य